इसका मतलब नेक्स्ट मदर्स डे हम अपनी भाभी के साथ सेलिब्रेट करेंगे जी। तो सबने सीट पर मान ली है क्योंकि आज जेम्स का हीरो आ रहा है, तो दोबारा से बना पा रही हो आ जाइए प्लीज वेलकम मिस्टर मोहम्मद आरिफ। I love you mom, please come and speak.
सबसे अच्छे सबसे। और अब हमारे बीच एक छोटी सी बच्ची है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, उसका नाम भी बहुत खूबसूरत है, शिफा। वो नई जी बच्ची का बच्ची है, तो प्लीज कम ऑन द स्टेज शिफा। अम्मी को हमेशा शिकायत रहती है कि मैं कोई काम नहीं करती, कुकिंग नहीं करती, और आज सुबह उठी सोचा मदर्स स्पेशल डे है तो सोचा कुकिंग कर लूँ कुछ। तो जैसे ही मसाला टीवी ऑन किया तो लाइट चली गई, मैंने कहा थैंक गॉड, लकीली मुझे कुकिंग नहीं करनी पड़ी। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं गलती से यहाँ आ गई और मुझे मौका मिल गया अपनी मॉम को विश करने का। मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं मॉम से नाराज़ थी और जो हम शॉपिंग करने गए थे, मुझे एक मेल प्रिंट बहुत ही पसंद आया था लेकिन मैंने मॉम को नहीं बताया और मैं रात को सो गई। सुबह जैसे ही उठी वही नई प्रिंट मेरी ड्रेसिंग टेबल पे। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, मॉम आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं एंड आई लव यू अ लॉट। अभी मेरे पास कुछ है तो नहीं आपको देने के लिए, कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको हग करना चाहूँगी, सॉरी कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने बहुत बहुत बार बदतमीजी की है एंड रूडली बिहेव किया है और बहुत बार हमारा बहस हुआ है, झगड़े ये तो होते रहते हैं, लेकिन आई एम सॉरी मॉम, प्लीज कम ऑन स्टेज। मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी एंड अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर वकार। और मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था, जेंट्स एंड मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना और देखा एंड आई वांट टू जॉइन दिस ग्रुप।